Good morning. So today we are going to do a lesson number 3, I love my India, page number 7. So India is a beautiful country. We are proud to be Indians. Recognize our national symbols, write their names in their given blank spaces. You may use the help box. See, there is a help box also given over here. So we are going to do just revise all these words. First of all, tricolor जो हमारे flag में आता है, tricolor, तीन colors जिसमें होते हैं. तो कौन कौन से colors हैं हमारे? सबसे पहले क्या आता है? saffron, white and green, so we call it tricolor. tiger जो हमारे national animal है, tiger. peacock, moor जो हमारा national bird है. hockey जो हमारी national game है. lotus जो हमारा नेशनल फ्लावर है. देन लॉयन कैपिटल जो हमारा नेशनल एम्बलम है. तो यहाँ पे सबकी पिक्चर्स दे रखी हैं. और अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंट करेंगे और उसके बाद जो जो पिक्चर दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली हम उसका करेक्ट आंसर यहाँ से देखकर टिक कर हम यहाँ लिखेंगे. सो नंबर 1 पिक्चर क्या है? आ नेशनल एनिमल. तो नेशनल एनिमल कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय जानवर कौन सा है हमारा? टाइगर. तो नंबर 1 टाइगर, तो हम यहाँ लिख देंगे टाइगर. देन नंबर 2 कौन है? पीकॉक. अ नेशनल बर्ड हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, पीकॉक. तो पीकॉक की स्पेलिंग नंबर 2, हम यहाँ पीकॉक लिखेंगे. देन नंबर 3 अ नेशनल फ्लावर कौन सा हमारा? नेशनल राष्ट्रीय फूल है तो उसे हम लोटस. तो लोटस कहाँ है? ये रहा नंबर 3, तो हम लोटस लिखेंगे. नंबर 4 आ नेशनल फ्लैग हमारा राष्ट्रीय झंडा कौन सा है? कौन से कलर का है? ऑरेंज है, वाइट है, ग्रीन है. तो ट्राई कलर हम लोग लिखेंगे नंबर 4. नंबर 5 क्या है हमारा? नेशनल एम्बलम हमारा राष्ट्रीय एम्बलम क्या है? हमारी पहचान क्या है राष्ट्रीय कौन सा है? तो वो है हमारा नेशनल लॉयन कैपिटल. लॉयन कैपिटल कहाँ लिखा हुआ है हमारा? 5 नंबर. द नेशनल गेम हमारी जो गेम है, जो हमारी राष्ट्रीय खेल है जो हमारा, कौन सा है? हॉकी. तो हॉकी इज अ 6 नंबर. सो हमने ये सारे ऐसे टिक करेंगे और यहाँ इन सबके सुंदर सुंदर स्पेलिंग्स लिखेंगे और उसके बाद हम ट्राई कलर में कलर करेंगे सुंदर सा. ये देखो आपको कलर का पूरा बताया गया है, आप इसको पूरा वैसे कलर करोगे. मेंशन द डेट एंड CW. नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 8. सो दिस इज लेसन नंबर 4, बिहेविंग वेल. अब हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें कैसे अपने आप को हमारा कैसा बर्ताव होना चाहिए, हमें दूसरों के सामने कैसे हमें रहना चाहिए, हमारी क्या हैबिट्स होनी चाहिए, गुड हैबिट्स, बैड, सब इसमें हमें बिहेविंग वेल में पता लगाएंगे हम. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बिहेव वेल. हमें बिल्कुल अच्छे से बिहेव करना चाहिए, हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, हमें बिल्कुल एक अच्छा बच्चा, ओबीडियंट बच्चा बन के रहना चाहिए. जब हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, जब हम मैम को सुन रहे हैं, जब मैम कोई हमें लेसन समझा रही है, मस्ती के टाइम पे हमें मस्ती करनी चाहिए, नो प्रॉब्लम. सो ए चाइल्ड हु बिहेव्स वेल इज लाइक बाय ऑल. और जब हम उस बच्चे का बिहेव जो बहुत अच्छे से बिहेव करता है वो सबको अच्छा लगता है. गिवन बिलो आर 6 सेक्शंस, सम डैट शो चिल्ड्रन बिहेविंग वेल एंड सम डैट डू नॉट. अब इसमें हमें बॉक्सेस में हमें बताना है और यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल अच्छे से नहीं बिहेव कर रहे हैं. सो टेक राइट दोज डैट शो चिल्ड्रन बिहेविंग वेल, जो अच्छा बिहेव कर रहे हैं उस सर्कल में राइट लगाएंगे और जो बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं उस सर्कल में हम क्रॉस कर देंगे. सो नंबर 1 पिक्चर क्या है? कौन सी पिक्चर है? कवरिंग योर माउथ विथ हैंड व्हाइल यॉनिंग. यॉनिंग जब हम नींद से उठते हैं उसके बाद हमें एकदम से उबासी आती है, तो सबसे अच्छा क्या होता है, हमें
अपना हाथ रख के यॉन करना चाहिए, तो ये एक गुड हैबिट होगी, तो इसको हमने टिक किया। अब नंबर टू, अभी किसका सीन है, क्लास का, रेजिंग हैंड्स टू आंसर ए क्वेश्चन। अगर आपसे टीचर कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर पूछती है तो ऑलवेज यू शुड ऑलवेज रेज योर हैंड्स, और उसके बाद ही हमें जब टीचर बोले कि आप स्टैंड अप एंड टेल मी द आंसर, तो हमें खड़ा होकर उनको आंसर देना चाहिए, तो डैट इज ऑल्सो गुड हैबिट। तो ये हो गया हमारा, हमें कैसे बिहेव करना है, वी आर बिहेविंग वेल। सो नंबर थ्री, मेकिंग नॉइज इन द क्लास, हमें जब टीचर नहीं है और हमें टीचर आती है जब तक, उस टाइम तक हमें बहुत शोर करना चाहिए, नो क्रॉस। सो दिस इज, हम यहाँ पे बिहेव प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। फिर जंपिंग ऑन द डेस्क इन द क्लास, हमें क्लास में जंप करना चाहिए अपने डेस्क के ऊपर, चेयर्स के ऊपर, नो। तो ये भी हमारा क्रॉस हो गया। देन हेल्पिंग एल्डर्स, तो हमें बूढ़ों को हेल्प करनी चाहिए, येस इट इज गुड, ये बिहेव वेल हो गया। सेइंग थैंक यू, अगर आपका कोई फ्रेंड आपको कोई चीज़ दे रहा है, आपको बुक्स दे रहा है, या कुछ भी, समथिंग इज गिवन बाय समबडी, एल्डर से दिया जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, थैंक यू। सो इट इज ए बिहेव वेल, ये हमारी एक अच्छी आदत है। सो टुडे वी विल डू ओनली लेसन 7 and 8, आप इनको प्रॉपरली टिक करेंगे, और देन नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट आवर लेसन नंबर 5। थैंक यू।